बड़ी खबर की तरफ। 1 अगस्त को देश भर में बकरीद का त्यौहार मनाया जाएगा, जिसे लेकर हर साल एक विशेष समाज के लोगों में हर्षोल्लास का माहौल देखने को मिलता है और वह एक एक महीने पहले से ही बकरे खरीद कर रखते हैं, परंतु कोरोना वायरस जैसी महामारी के कारण इस बार बाजार में मंदी आई है। यही हाल नागलोई मार्केट का है, जहां दुकानदार बकरे ना बिकने के कारण परेशान हैं। इस बारे में बातचीत करते हुए जिला कांग्रेस अध्यक्ष मखदूम खान ने बताया कि हर साल नागलोई मार्केट में हजारों की संख्या में लोग बकरे खरीदने आते हैं, परंतु लॉकडाउन के कारण लोगों की जेब पर असर पड़ा है, जिसके कारण बकरों की बिक्री में गिरावट आई है। आप भी सोचते हैं कि पूरे साल जो गडरी है लोग अपने अपने बकरे लेकर आते हैं और उन्हें अच्छा पैसा मिलता है बकरीद की साइड, और बकरीद जिसकी वजह से जो गरीब आदमी है, आप देखेंगे 500 रुपये किलो जो गोश्त चल रहा है, सबसे पहले जो बकरीद का जो कुर्बानी का गोश्त होता है वो गरीबों में बटता है, यतीमों में बटता है। उनके लिए सबसे बड़ी सहूलत ये होती है कि जिनके पास पूरे साल खाने को नहीं, उन्हें बकरे का गोश्त भी मिलता है खाने को, और लोगों की आमदनी का भी जरिया होता है। और जो खाल की बात है, खाल वो गरीबों में दी जाती है या मदरसों में दी जाती है, मदरसों से उनकी आमदनी होती है, और जो लोग कसाई हैं उनको भी अच्छी आमदनी होती है। बहुत बड़ा फर्क पड़ा है इससे बकरे कोरोना वायरस से, और इतना पकड़ा 20 लाए थे, कई दिन होगा 2 बिके हैं अभी, मेरे पास 4-6 बकरे बिके हैं अभी पूरे हफ्ते में, तो पहले 20 का बिक रहा था, आज वो 15 का लेवल नहीं है कोई।